गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मास कम्युनिकेशन। आज हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन इन हिंदी? मास कम्युनिकेशन मीन्स जन संचार। जन संचार। मास कम्युनिकेशन रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन क्या है? यह एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को सूचना के प्रसारण को संदर्भित करता है। एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों को अपना सूचना या अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मास कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। मास कम्युनिकेशन किसके किसके साथ होता है? मास कम्युनिकेशन मास मीडिया और सोशल मीडिया की मदद से होता है। मास मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, बुक्स, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, रेडियो एंड द टेलीविज़न। मास मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, रेडियो और टेलीविज़न शामिल होते हैं। दिस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉट इंटरैक्टिव। लेकिन इसके ये वो रहता है, इसमें ये रहता है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हेल्प स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू एन एनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो पत्रिकाएं होती हैं और न्यूज़पेपर होते हैं, ये एक ही समय में करोड़ों लोग पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो क्वाइट चीप। ये सस्ता भी होता है और आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो मैनी पीपल कैन बाई एंड रीड इट। बहुत सारे लोग इसको खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। These days many people have started read newspaper and magazines on the internet. आजकल क्या है, बहुत सारे लोग newspaper और magazine internet पे पढ़ते हैं। मतलब वो magazine को हाथ में नहीं रखते ना newspaper, वो internet के through आजकल पढ़ने लगे हैं। The radio is the one of the cheapest means of mass communication एंड एंटरटेनमेंट। रेडियो बहुत सस्ता और बहुत अच्छा माध्यम है मास कम्युनिकेशन का और एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, रेडियो में न्यूज़ भी आती है और आपको कॉमेडी वाले कुछ प्रोग्राम भी आते हैं, गाने भी आते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, आपको ये खेती किसानी के बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, और बहुत सोशल वर्क करने वाले लोग भी आते हैं, कुछ सेलिब्रिटी भी आते हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं। मल्टीपर्पज उसमें प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशली इन रिमोट एरिया। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पीपल हु आर विजुअली चैलेंज और हु कैन नॉट रीड। और इससे ये फ़ायदा है उनके लिए जिनको, जिनसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग आसानी से न्यूज को सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से। द टेलीविज़न इज़ अ बोथ एन ऑडियो एंड विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो में क्या था कि सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें हम देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविज़न में क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इट कैरीज अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, सम ऑफ विच आर प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट एंड सम ऑफ विच ऑल्सो एडुकेट द व्यूअर्स। टेलीविज़न में क्या है, हम देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसमें कई वैरायटी रहती है प्रोग्राम की। इसमें हम एंटरटेनमेंट वाले भी प्रोग्राम रहते हैं और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ। सिनेमा कैन बी अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट कैन बी यूज टू एंटरटेन एंड ऑल्सो टू बी सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेजेस टू बी ऑडियंस थ्रू अ स्टोरी। सिनेमा जो है एक, ये भी मास कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन है। इट कैन बी, इससे पूरा मनोरंजन होता है सिनेमा से। एंड ऑल्सो टू सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू बी ऑडियंस थ्रू अ स्टोरी। जो भी फिल्म यदि आप देख रहे हैं, यदि कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें शिक्षा मिल रही है, तो इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसलिए फिल्में भी कुछ माध्यम हैं मास कम्युनिकेशन के लिए। मास कम्युनिकेशन सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। गुगलियो मार्कोनी ऑफ इटली इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो। रेडियो का इन्वेंटर कौन था? गुगलियो मार्कोनी। हाउएवर द इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सक्सेसफुली शो हाउ रेडियो वेव्स ट्रेवल।
और अपने यहाँ जो चंद्र बोस थे, जगदीश चंद्र बोस थे, उनने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो सक्सेसफुली उन्होंने रेडियो वेव्स को कैसे ट्रैवल करती हैं, ही डिड दिस इन 1894। उन्होंने कब किया ये, 1894, 2 ईयर्स बिफोर मार्कोनी, मार्कोनी के 2 ईयर्स बिफोर। बट बोस डिड नॉट रजिस्टर हिज इन्वेंशन विद द गवर्नमेंट, लेकिन उनकी इस इन्वेंशन को रजिस्टर नहीं किया गया है। मार्कोनी इम्प्रूव्ड अपॉन बोस इन्वेंशन एंड रजिस्टर इट इन दिस नेम इन 1896, लेकिन 1896 को उन्हें रजिस्टर करा लिया। हैंस ही इज़ नॉन एज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो, और इस तरह से वो रेडियो के इन्वेंटर बोले जाते हैं। दिस इज द सीन ऑफ अ पिक्चर, अ सीन फ्रॉम द मूवी राजा हरिश्चंद। दिस मूवी रिलीज इन 1913 वॉज इंडिया फर्स्ट मोशन पिक्चर। इट वॉज हाउएवर अ साइलेंट मूवी विद नो म्यूजिक और साउंड। पहले की फिल्मों में साउंड नहीं होता था, म्यूजिक नहीं होता था और स्थिर रहती थी, लेकिन ये पहली चलती पिक्चर पाई गई थी। चलती पिक्चर मीन्स मोशन पिक्चर, इसलिए उसको चलचित्र कहा जाता है, चलने वाली चित्र। तो फर्स्ट फिल्म थी जो ये मोशन पिक्चर थी, कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट यूजेस द इंटरनेट टू कनेक्ट टू अ लार्ज ऑडियंस। सोशल मीडिया से क्या हुआ, ये लार्ज ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस को कनेक्ट करती है इंटरनेट के माध्यम से। इट इज इंटरैक्टिव, इज अलाउज द यूजर टू क्रिएट एंड पोस्ट कंटेंट एंड ऑल्सो अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड टू द कॉन्टेंट। मतलब सोशल मीडिया में क्या कर सकते हैं, यदि किसी ने कोई मैसेज भेजा तो हम उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं और उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया देयर बाय एनेबल सोशल नेटवर्किंग, ये किस पर डिपेंड है, सोशल नेटवर्क पर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, वीडियो अपलोडिंग्स साइट्स लाइक यूट्यूब, ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड चैट रूम्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सोशल मीडिया के, क्या हैं, यूट्यूब, ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड चैट रूम्स। द इम्पैक्ट ऑफ सैटेलाइट्स ऑन कम्युनिकेशन, क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है इनके सोशल सॉरी सैटेलाइट पर कम्युनिकेशन। द यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैज ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द वे पीपल कम्युनिकेट। सैटेलाइट ने क्या चेंज लाया है हमारे कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट्स ट्रेवल अराउंड द अर्थ इन स्पेस फ्रॉम वेयर दे रिसीव एंड सेंड सिग्नल टू अर्थ। सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और क्या करते हैं, वो सिग्नल देते हैं हमको, अर्थ में सिग्नल देते हैं। दिस हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस व्यू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जो लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है वर्ल्ड में, जो ये इसका प्रभाव किसके कारण है, सैटेलाइट के कारण। यदि सैटेलाइट ना हो तो हम ये सारा काम नहीं कर सकते। सच एज द डायरेक्ट टेलीकास्ट ऑफ क्रिकेट क्रिकेट मैच एंड अवार्ड सेरेमनीज, ये सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे सैटेलाइट के थ्रू ही होते हैं। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अस अ वाइड वेराइटी ऑफ टेलीविज़न चैनल्स टू चूज फॉर्म। और ये क्या लाया है, एक बहुत वैरायटी है इसमें टेलीविज़न चैनल की, टेलीविज़न चैनल चूज़ फॉर्म। आप चूज़ कर सकते हो चैनल्स को, कोई भी चैनल आप दे सकते हो मनपसंद। मेकिंग टेलीविज़न वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन माना जाता है आजकल। द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट टू वॉज मेड पॉसिबल बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और इंटरनेट का जो फंक्शन है, इंटरनेट जो चलता है, वो किसके कारण हो रहा है, सैटेलाइट के कारण हो रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण ही इंटरनेट चलता है। पीपल कैन ऑल्सो हैव लॉन्ग डिस्टेंस मीटिंग्स एंड कनेक्ट टू अदर एट अ डिस्टेंस थ्रू टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं, ये सब
पीपल कैन हैव लॉन्ग डिस्टेंस मीटिंग एंड कनेक्ट टू अदर्स एट अ डिस्टेंस थ्रू टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीपल जो लोग जो हैं वो लंबी दूरी की मीटिंग भी कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कैसे? हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर लेते हैं, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, आपने देखा होगा, और ये फ़ोन कॉल्स कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है। Thus, by ensuring that distance does not matter, मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि दूरी कोई मैटर नहीं करती, दूरी का महत्व तो खत्म हो गया है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वर्चुअली रिड्यूस्ड द वर्ल्ड टू अ ग्लोबल विलेज। आजकल दूरियां कम हो गई हैं तो क्या हो गया है, कम्युनिकेशन एकदम ईजी हो गया है और हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, मींस वैश्विक गांव में रह रहे हैं। जैसे कि एक गांव में रहने वाला आदमी, हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है, तो हमको दूरियां ख़त्म हो गई हैं और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हमको ये सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ये आप देखेंगे सैटेलाइट, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, अपनी अर्थ के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट है। ये हमको पूरी इंफॉर्मेशन देता है और पूरी जो हमारे जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह चलते हैं ये सारी चीज़ें हमको सैटेलाइट के थ्रू पता चलती हैं। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नाउ एक्सरसाइज हम करेंगे इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 एंड पेज नंबर 98, वर्कआउट। क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी बेस्ट सूटेड, आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट इज टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आस्किंग देम टू मीट यू एट 4 PM। आपको मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड को पूछने के लिए कि 4 बजे मिलना है, तो आप कौन सा मोड इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे, या तो हम शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS करेंगे सेलफोन से, स्मार्टफोन से, और WhatsApp भी कर सकते हैं पूछने के लिए, मैसेंजर में भी भेज सकते हैं आप, इसमें SMS कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू शेयर योर बर्थडे फोटोग्राफ्स विथ मैनी फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे दोस्तों को बर्थडे का फोटोग्राफ सेंड करना, शेयर करना है, तो आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे। आप फेसबुक यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, ट्विटर यूज़ करेंगे, आप व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना है आप उससे भी सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द आंसर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। थर्ड क्वेश्चन, टू शेयर अ वीडियो यू टुक फॉर विच यू वॉन्ट अ क्विक फीडबैक, आपने कोई वीडियो को शेयर किया और जिसमें आपको क्विक फीडबैक चाहिए आपको, तो आप कौन सा माध्यम यूज़ करेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, फेसबुक में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपको तुरंत उससे फीडबैक मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुडनेस ऑफ अ प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय अ बिस्किट कंपनी, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुडनेस ऑफ अ प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय अ बिस्किट कंपनी। इसमें आप कौन सा मोड यूज करेंगे, आपको लोगों को जानकारी देना है या उनको बताना है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई बताना है, किस चीज़ के लिए, बिस्किट कंपनी को एक अपना ऐड करना है ये मान के चलिए, तो आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, टेलीविज़न, उसमें एडवर्टीजमेंट हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, न्यूज़पेपर में हो सकता है, मैगजीन्स में भी हो सकता है, इंटरनेट न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, ये सारे मोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये सारे मोड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू हियर अ
लाइव कमेंट्री ऑफ अ फुटबॉल मैच, आपको फुटबॉल मैच की लाइव कमेंट्री सुनना है तो आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे? रेडियो, रेडियो में सुन सकते हैं और टीवी में भी हम लाइव कमेंट्री सुन सकते हैं। तो कौन सा मोड हुआ उसमें? रेडियो एंड टेलीविज़न। लेकिन इसमें सिर्फ हियर लिखा है, टू हियर लाइव कमेंट्री, तो हम रेडियो यूज़ करेंगे। लेकिन टीवी भी कर सकते हैं, यदि आपको देखना नहीं है, आप बिज़ी हैं तो आप सुन सकते हैं टीवी चालू करके। तो आंसर होगा रेडियो एंड टीवी। क्वेश्चन नंबर 6, टू रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। आपको रीड करना है किसके बारे में? साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट हुआ बे ऑफ बंगाल में, तो आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे? आपको पढ़ना है तो न्यूज़पेपर, इंटरनेट न्यूज़पेपर। आपको रीड करने के लिए बोला गया है कि साइक्लोन के बाद बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन का क्या प्रभाव हुआ, तो आप न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है? अ न्यूज़पेपर, अ मोबाइल, टेलीफोन, अ लेटर। पर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे इसमें? न्यूज़पेपर पर्सनल कम्युनिकेशन, हम इसमें आंसर होगा न्यूज़पेपर। सेकंड, दिस इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड का आंसर क्या होगा इसमें? टेलीफोन, ये भी पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। द इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर, इंटरनेट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर? ईमेलिंग के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, इंटरनेट यूज़ होता है, फोटो शेयरिंग के लिए भी, शेयरिंग म्यूजिक के लिए, तो ऑल ऑफ दीज, ये डी इज़ करेक्ट। इसमें क्या होगा? डी को हम सही करेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरनेट, इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ स्मार्टफोन्स, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द आंसर? द इंटरनेट, इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, बी इज करेक्ट। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस मशीन मूव्स अराउंड द अर्थ इन स्पेस। कौन सी मशीन है जो स्पेस पर चल रही है, जो कि हमको सिग्नल देती है? सैटेलाइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सैटेलाइट। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।